विश्व रंग 2019 में 5 से 10 नवंबर तक पहली राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन भारत भवन में हुआ। इस प्रदर्शनी के लिए 1000 से अधिक चित्र प्रतियोगिता में प्राप्त हुए। स्थापित कलाकार व कला कवि लीलाधर मंडलोई के अमूर्त छायाचित्रों की ब्रीदिंग स्टोन्स प्रदर्शनी का उद्घाटन भी सुप्रसिद्ध चित्रकार प्रभाकर कुलटे ने किया। उनके साथ कला प्राध्यापक और आस्वादक जयकिशन अग्रवाल भी उपस्थित थे। इस साल यानी कि 2020 में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में कोरोना संकट के बावजूद 700 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। जूरी ने सर्वश्रेष्ठ 5 कलाकारों को सम्मान हेतु चुना। सन 2020 के पुरस्कृत चित्रकार हैं तवलीन कौर लाल, अनिरब सेठ, प्रशांत कुमार, संदीप सुनेरिया और सचिन निंबालकर। इस अवसर पर राष्ट्रीय चित्रकला वेबिनार का विषय था भारतीय चित्रकला में नारी परिपेक्ष। नमस्कार, मैं आशीष कुमार श्रृंगी बूंदी राजस्थान से। भारतीय कला में नारी परिप्रेक्ष्य एक दृष्टिकोण, इस विषय पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। बात जहाँ तक भारतीय कलाओं की है तो भारतीय कलाओं का जो आधार है वो सत्यम शिवम सुंदरम का रहा है। भारतीय कलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौंदर्य के उपासक रही हैं। यहाँ कला को सौंदर्य और आनंद की सीमा तक ही नहीं बल्कि परमानंद की प्राप्ति का एक साधन माना गया है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक आयाम में भारतीय दृष्टि ने दिव्यता का दर्शन किया और इस दिव्यता के पृष्ठभूमि में वह नारी शक्ति ही है। नारी शाश्वत सौंदर्य की अभिव्यक्ति है और भारतीय मनीषियों ने, विद्वानों ने नारी को संसार की उत्पत्ति का आधार माना है। कला और नारी का संबंध भी अनन्य है और कलाकारों ने नारी को सौंदर्य का प्रतिरूप माना और भारतीय कला के सृजन में नारी प्रेरणा का स्रोत रही है। भारतीय कला में नारी को मूलतः दो रूपों में समझा जा सकता है। पहला जो है वो रूपात्मक स्वरूप और दूसरा है उसका गुणात्मक स्वरूप। तो प्रथम जो रूपात्मक स्वरूप है वो वास्तव में उस सूक्ष्म सौंदर्य या उस कला बोध को व्यक्त करने का साधन मात्र है। यानी वो जो दृश्य रूप है नारी आकृति का वो उस आंतरिक गुणों को व्यक्त करने का साधन मात्र है। तो प्रकट रूप में तो उसमें अंतर्निहित जो अधिभौतिक और आध्यात्मिक रूप हैं उनको व्यक्त करने के साधन के रूप में वो रूपायित किया गया है। भारतीय कला में रूपायित नारी जो रूप हैं वो कोई किसी रूप की प्रतिकृति नहीं है, नकल नहीं है। वह नारी के भौतिक रूप या उसकी प्रतिकृति नहीं होकर कलाकार ने उसके अलौकिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए उस नारी के विविध रूपों की कल्पना की है जिसमें सौंदर्य भावना के साथ साथ विलक्षण गुणों की शक्ति भी निहित है। वास्तव में भारतीय कलाकार ने नारी के यथार्थ और भौतिक रूप को अंकित किया ही नहीं है, वह तो उन चाक्षुष रूप का अंकन न होकर भाव अवस्थाओं का अंकन है। यानी
जो भारतीय विचारधारा है, जो भारतीय चिंतन परंपरा है, उनमें जो भाव अवस्थाएं हैं उनका अंकन करने के लिए उन रूपों का सहारा लिया गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार नारी का अंकन मानवीय रूप में न होकर सार्वभौमिक सौंदर्य के प्रतिरूप में हुआ है। यहाँ नारी को आदि शक्ति का प्रतिरूप स्वीकार किया गया है। भारतीय कला वाङ्मय में सौंदर्य बोध है, देह का सौंदर्य बोध नहीं है। उसमें देह में अंतर्निहित लय, भाव, मुद्रा, भंगिमा का सौंदर्य है। वहाँ देह तो साधन मात्र है, उस सौंदर्य संवेदन को व्यक्त करने का वो लक्ष्य नहीं है। भारतीय कला में शरीर रचना के भौतिक नियमों की अनुपालना है ही नहीं, वह तो उस रूप को व्यक्त करने का साधन है। जैसे सारनाथ की प्रतिमा को देखें तो वो भाव अवस्था का अंकन है, शरीर उसका साधन मात्र है। मेरा मंतव्य ये है कि भारतीय कला के संदर्भ में विचार करते हुए कुछ तथ्यों को समझ लेना यहाँ आवश्यक है कि कला बोध से समृद्ध होने के लिए या उससे संपन्न होने के लिए या उसकी कला के सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा और एक उदात्त और निरपेक्ष दृष्टि से उस कला का प्रेक्षण करना होगा। और कला बोध इनसे सर्वथा परे है। कला में जब हम किसी रूप का बोध करते हैं तो वो बोध हमारा अपना दृष्टिकोण होता है। यहाँ जब हम कला में नारी परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो नारी को किस रूप में देखा गया, कला में नारी परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, तो यह तो दरअसल किसी भी रचना में कलाकार का अपना परिप्रेक्ष्य होता है। वह जो भी रचना करता है वह स्वयं उसका दृष्टिकोण या अनुभूति या परसेप्शन है और वह किसी भी अन्य का परिप्रेक्ष्य नहीं हो सकता। कला में नारी की देह का अंकन कलाकार का अपना परिप्रेक्ष्य है और वह कला नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम कालिदास के काव्य मेघदूत में नायिका सौंदर्य का वर्णन जो किया गया है उसकी बात करें तो कला रचना में उस काव्य बिंब को रचनाकार ने किस प्रकार मानस प्रत्यक्ष किया, यानी उसको परसेप्ट किया, और उस मानस बिंब को किस प्रकार उस चंवरधारिणी यक्ष के रूप में रूपायित किया, ये कलाकार का अपना ही परिप्रेक्ष्य था कि जिससे उसने उस काव्य बिंब को अपने मानस में परिप्रेक्ष्य परसेप्ट किया होगा। वस्तुतः किसी भी कला में कलाकार का अपना परसेप्शन यानी अपना परिप्रेक्ष्य ही मुख्य विषय होता है। वहां कोई और भौतिक विषय नहीं हो सकता। विषय वह नहीं है जो दिखाई दे रहा है। दृष्टिगत नारी आकृति, पुरुष आकृति या अन्य कोई भी रूप विषय नहीं है, बल्कि उस कलाकार का अपना दृष्टिकोण ही उसका विषय होता है कला का। और प्रेक्षक के संदर्भ में बात करें तो प्रेक्षक जो देख रहा है, अर्थात प्रेक्षक का अपना परिप्रेक्ष्य है उस कला को देखने का, तो वह रचनाकार का दृष्टिकोण नहीं है। क्योंकि प्रेक्षक जो देखता है वह अपने ज्ञान, अनुभव, अपनी तृप्तियों, अतृप्तियों, अपनी कुंठाओं और अपने मन के अनुकूल उस अनुभूत उसको अनुभूत करता है या उसको परसेप्ट करता है। ये प्रकट रूपों को अपनी अनुभूति और अपने परिप्रेक्ष्य से देखता और समझता और ग्रहण करता है। इस दृष्टि से देखें तो कला का दृश्य रूप उस कला का कंटेंट और विषय नहीं है, बल्कि ये प्रेक्षक का अपना दृष्टिकोण है। भारतीय परंपरागत चिंतन के अनुसार रूप के समुद्र में डूबकर अरूप तक पहुंचना ही कला का वास्तविक उद्देश्य है। वस्तुतः कला अनुभव के संदर्भ में भारतीय परंपरागत चिंतन, जिसका निरूपण संस्कृत काव्यों में हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप में स्वीकार करता है कि कला वस्तु का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी जीवन दृष्टि उत्पन्न करना, एक ऐसा अनुभव प्रदान करना है जिसमें अलौकिक चमत्कार या प्रतीति या आह्लाद होता है, या उसको अलौकिक चमत्कार या प्रतीति या आह्लाद कहा जा सकता है, जिसका अभिप्राय दूसरे शब्दों में यह है कि कला वस्तु में प्रस्तुत रूप, विचार, स्थितियां, भाव, विषय आदि व्यवहारिक जीवन की वास्तविकता अवास्तविकता की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि ये एक ऐसी निर्वैयक्तिक अवस्था उत्पन्न करते हैं जो तटस्थ और निष्काम होती है। भाववादी वेदांत के अनुसार अपनी व्यक्तिगत सत्ता का विस्मरण तथा अहम विधायक वृत्तियों का लोप करना ही कलात्मक अनुभव की विशेषता या उपलब्धि है। यहाँ हम जिस निष्काम और निर्वैयक्तिक अवस्था और आनंद बोध की बात कर रहे हैं, वो उसकी उपस्थिति, उसकी अनुभूति में सक्षम होने के लिए प्रेक्षक और कला में एक तादात्म्य होना आवश्यक है, जिसका आनंद बोध
या कला बोध से सीधा संबंध है। कौशिक की उपनिषद में गार्ग्यान कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ देखता है वो उसके ही मन का प्रतिबिंब है। वो कहते हैं मानसी प्रतिरूपा चक्षुषी, वो इसको ऐसे कहते हैं। चित्र या शिल्प अर्थात कला में चित्त का चिंतन, चित्त का चिंतन है, आपका जो चित्त है वो उसका चिंतन है, वो कहते हैं चित्तम चित्तनेव चिंतति। तो ये कला के संदर्भ में, इस नारी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में मेरा एक विचार था कि हम जो कला में देख रहे हैं वो एक्चुअली वो नारी का रूप नहीं है, वो उसकी भाव अवस्था है जिनको हम अपने दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। मेरा टॉपिक है नारी के परिप्रेक्ष्य में कला के विकास की संभावनाएं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत्र नारेति नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र वास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफल है क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा की जाती है वहीं देवता का वास करते हैं। सन 1947 तक भारत में स्त्रियों की शिक्षा में काफ़ी सुधार किए गए तथा उन्हें समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। स्त्रियों को ललित कलाओं की शिक्षा भी दी जाने लगी। इस समय कला शिक्षा के लिए कोई शिक्षा संस्थान नहीं थे, इसलिए समान शिक्षा संस्थानों में कला को सामान्य विषय के रूप में पढ़ा जाता था। परंतु जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, कला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाने लगी। अब स्त्रियों को कला शिक्षा के लिए नवीन मार्ग मिलने लगे एवं भारत में महिला शिक्षा प्राप्त कर अपनी एक अलग पहचान बनाने लगी। आरंभ में कुछ ही महिला कलाकारों को जाना जाता था, जिनमें पारा एवं स्वर्ण कुमारी का नाम प्रमुख आता है। इन दोनों महिला कलाकारों ने न केवल अपने को अपितु संपूर्ण नारी जाति को सम्मान दिलाया। धीरे धीरे कला के माध्यम से महिलाओं ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना आरंभ किया। ब्रिटिश शासनकाल में ही कोलकाता ने सन 1879 में युवा महिलाकारों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें रविंद्र नाथ टैगोर की भतीजी गृहिणी सुनैना को लोक कला के लिए सेलिब्रिटी स्टेटस दिया गया। अब महिला कलाकारों का 20वीं शताब्दी में अभिनंदन किया गया, जिनका एक विस्तृत समूह के रूप में इस शती में पदार्पण भी हुआ। इस सदी में कई दशकों में महिला चित्रकारों ने मनुष्य के आंतरिक भागों को सामाजिक स्तर प्रदान किया गया। महिला कलाकारों ने अपने आंतरिक संघर्ष को कृतियों के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया। विषयों, आकारों तथा रंगों में जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वह कहीं न कहीं से नारी के मनोवैज्ञानिक धरातल को दर्शाता है, जिसमें नारी और उसके चारों ओर के परिवेश की जकड़न का अनुभव किया जा सकता है। सन 1970 के दशक में महिला कलाकारों की कला में बहुत परिवर्तन आया। उनमें आत्मजागृति का उदय हुआ और कई कला अकादमियों में, जैसे ललित कला अकादमी, त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली, भारत सरकार के मानव अधिकार एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, वुमन वेलफेयर मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संयुक्त प्रयासों से भारतीय महिला कलाकारों शीर्षक से देश की प्रमुख महिला कलाकारों की संयुक्त कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी में, जिसमें देश की अनेक महिला कलाकारों को एक मंच प्रदान किया गया, इस प्रदर्शनी में 43 महिला कलाकारों की 73
कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। उन्हें स्वयं के विचारों तथा भावनाओं को प्रकट करने का एक उचित और बहुत बड़ा मंच प्राप्त हुआ। अब महिला कलाकारों को कला जगत में एक पहचान मिलने लगी। अगर हम बात करें भारतीय महिला कलाकारों में, तो भारतीय महिला कलाकारों में सर्वप्रथम अमृता शेरगिल का नाम लिया जाता है। अमृता शेरगिल को छोड़कर भारत में आधुनिक कला की आरंभिक अवस्था में महिला कलाकारों की कोई भागीदारी नहीं थी। अगर हम आधुनिक भारतीय महिला कलाकारों की बात करें, तो शुरुआत में अमृता शेरगिल की एक अलग पहचान थी। धीरे धीरे भारतीय महिला कलाकार जुड़ने लगी और आज कला जगत से जुड़ी लगभग समस्त विधाओं में महिला कलाकारों ने अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। जैसे चित्रकला के क्षेत्र में अंजलि ईला मेनन, नलिनी मालानी, अर्पिता सिंह, गोगी सरोजपाल, अपर्णा कौर, रेखा राणवत्या, अंजू दोदिया, माधवी पारेख, नीलिमा शेख, सुरुचि चौहान, ध्रुवी आचार्य, महिला कलाकारों ने अभिव्यक्ति के रूप में मानव शरीर को आधार बनाकर अपनी कलाकृतियों द्वारा आधुनिक सामाजिक परिवेश को इस प्रकार चित्रित किया कि समाज में नग्नता खुले रूप में सामने आ जाती है। यही कारण है कि महिला कलाकार नारी संबंधी विषयों को अपने अधिक निकट अनुभव करती है। इस प्रकार महिला कलाकारों ने अपने वैचारिक दृष्टिकोणों को समाज में प्रस्तुत करने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय कला में नवीन कला आयाम प्रस्तुत किए। महिला कलाकारों में आधुनिक पद्धतियों, विधियों तथा तकनीकों को बहुत गंभीरता से अपनाया है। उन्होंने भारतीय कलाओं को नवीन अर्थ दिए। उनकी कला में आंतरिक चिंतन को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति मुखर हुई है। यही कारण है कि महिला कलाकारों की कला में नारी के विभिन्न विषाद में प्रतिमा बहुतायत से उभरी हैं। अंजलि ईला मेनन, यह एक भारत की जानी मानी समकालीन महिला कलाकारों में से एक हैं। इनके द्वारा बनाए गए चित्र दुनिया भर के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सन 2006 में कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ फ्रांसिस्को में ने इनकी एक महत्वपूर्ण रचना यात्रा का अधिग्रहण किया। इनकी पेंटिंग के पसंदीदा माध्यम है तेल, पर इनके अलावा वह शीशा और वाटर कलर जैसे दूसरे माध्यम में भी चित्रकारी करती हैं। अंजलि एक जानी मानी भित्र चित्रकारा भी है और कई समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। वे भारतीय चित्रकार MF हुसैन की कला की बहुत बड़ी फैन है। जब वह मात्र 18 साल की थी, तब उन्होंने अपनी अलग अलग शैली के लगभग 53 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। उनकी इस रचनात्मक प्रतिभा को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक छात्रवृत्ति दी, जिसके माध्यम से उन्हें विश्व प्रसिद्ध एकॉल नेशनल सुपीरियर DWR में आगे की शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला। कला जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। नलिनी मालानी एक जानी मानी चित्रकारा हैं। इनका अपना कलाकार है एक चित्रकार के रूप में लगभग 1990 के मध्य विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर विस्तृत किया गया है। उन्होंने अपनी कृतियों के अंतर्गत चित्रण के साथ साथ अभिनय, स्थापन, वीडियो स्थापन,
आदि को भी अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मलानी की कला कल्पना एवं आकृतियों की धारा के मध्य बहती एक तरफ से भविष्य की कल्पना एवं दृष्टि है, तो दूसरी तरफ दबी हुई स्मृति तथा पौराणिक कथाओं का साम्राज्य है। अगला नाम आता है अर्पिता सिंह का। अर्पिता सिंह ने अपनी कलात्मकता से ऐसे प्रयोग किए और उन तमाम संवेदनीय विषयों को उठाया जो आमतौर पर लंबे अरसे तक महिला कलाकारों के दायरे से बाहर रहे। एक स्त्री होने के दुख दर्द को अर्पिता की सहानुभूति ने स्त्रियों की दयनीय दशा को अपनी कलाकृति में स्थान दिया। पश्चिमी बंगाल में पली बड़ी अर्पिता वहाँ के वातावरण से अलग नहीं हो सकी। उनकी कलाकृति उनकी आत्मा व अनंत शक्ति के आनंद का भंडार है। वह अपनी कलाकृति को एक दरी की तरह बुनती हैं। इन्हें 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हमारी भारतीय कला की अगली भारतीय महिला चित्रकार हैं गोगी सरोज पाल। प्रख्यात भारतीय महिला कलाकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाली गोगी सरोज पाल का जन्म 1945 में हुआ। उन्होंने जिस सफलता को पाया उसका रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने बोल्ड विचार और जीवन शैली को अपनाया और यही बोल्ड विचार हमें उनकी कलाकृति में भरपूर रूप से देखने को मिलते हैं। 1995 में सरोज पाल ने एक छोटे आकार की गुआश आकृति श्रृंखला प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था हठ योगिनी शक्ति। संभवतः शक्ति विषय पर आधारित उनकी यह प्रथम श्रृंखला थी। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, उस वर्ष में उनके प्रत्येक क्षेत्र में एक ऊर्जा थी, एक साहसी एवं उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति थी। गोगी उन महिला कलाकारों में से हैं जो कलाकृति में नारी के किसी भी रूप के लिए स्वयं को ही चित्रित करती हैं। उनकी अधिकांश कलाकृतियों में उनकी स्वयं की मुखाकृति प्रतिबिंबित होती है। भारतीय महिला कलाकारों में अगला नाम है अपर्णा कौर। अपनी आध्यात्मिकता को कला के द्वारा प्रस्तुत करने वाली अपर्णा कौर समकालीन भारतीय कला में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, जिन्होंने दिव्यता तथा आध्यात्मिकता के एक भिन्न पक्ष को समाज के सम्मुख रखा। उनकी कलाकृतियाँ अधिकतर महिलाओं पर ही आधारित होती हैं, सपाट धरातल पर अपनी सोच व रंगों की समझ को दर्शाते हुए चित्रों की स्थापना करने वाली अपर्णा कौर गहरे धरातल पर हरके रंग से मानव आकृतियों को उभारती हैं। उनकी मानव आकृतियां धड़ पेड़ तथा हाथ से अलग होकर भी एक अपनी संपूर्ण मानव आकृति को दर्शाती हैं। अपर्णा कौर आज अति यथार्थवादी कलाकारों की सूची में प्रमुख स्थान रखती हैं। इस प्रकार आधुनिक भारत की चित्रकला में महिला चित्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आगे भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रहेंगी। 20वीं सदी में कई दशकों तक महिला कलाकारों ने मनुष्य के आंतरिक भावों को सामाजिक स्तर प्रदान किया है। आत्मचिंतन, वैचारिक मंथन और अति संवेदनशीलता महिला कलाकारों की कृतियों में मुख्य रूप से परिलक्षित है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में समाज में नारी संघर्ष का आह्वान करती है। महिला कलाकारों ने अपने आंतरिक संघर्ष को
कृतियों के रूप में प्रस्तुत किया है। विषयों, आकारों तथा रंगों में जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वह कहीं ना कहीं से नारी के मनोवैज्ञानिक धरातल को दर्शाता है, जिसमें नारी और उसके चारों ओर के परिवेश की जकड़न को अनुभव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।